14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर दूसरे चरण में होने वाला मतदान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण तीसरे चरण में होगा। इस चरण में कुल 198 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा। इन सीटों में महासमुंद में 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। इन तीनों लोकसभा सीट के अंतर्गत 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने आज इस चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में कुल 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। द्वितीय चरण में जो कुल इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र है उनकी संख्या है 6,567 और निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है वो महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17, राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9। इन सभी तीनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो है वो 24 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है। इनमें जो मतदान का समय है जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इन तीनों लोकसभा सीट में कुल 330 संगवारी मतदान केंद्र, 25 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मतदान केंद्र, 117 मतदान केंद्र युवाओं द्वारा संचालित और 120 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महासमुंद लोकसभा सीट में दूसरे चरण का मतदान कल होगा। इस लोकसभा सीट में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं। गरियाबंद जिले के राजिम और बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में कुल 573 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। इन केंद्रों के लिए करीब 2800 मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में मतदान सामग्री देकर रवाना किया गया। शहरी क्षेत्र के 52 केंद्रों में मतदान का जिम्मा महिला कर्मियों को सौंपा गया है। राजिम विधानसभा दो क्षेत्र हमारे जिले में पड़ते हैं तो इसमें हमने 52 महिला बूथ इस बार बनाया है। हमारे जितने शहरी बूथ हैं हिंगेश्वर है, छुरा है, राजिम है, गरियाबंद है, उसके पूरे 37 के 37 बूथ महिला मतदान कर्मचारी वहां पर रहेंगे। इसके अलावा बिंद्रा नवगढ़ में 15 महिला बूथ रहेंगे। दोनों विधानसभा में 1-1 दिव्यांग बूथ बनाया गया है जो दिव्यांगों के द्वारा रहेगा और इसके अलावा 5-5 यूथ बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर यूथ कर्मचारियों को लगाया गया है। जो 9 हमारे पोलिंग बूथ है उस पोलिंग बूथ में सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ही वोटिंग होगा क्योंकि वह बहुत संवेदनशील है ताकि जो है 3 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद जो है मतदान दल और हमारा सुरक्षा का जो दल है जो जल्दी वापस आ सके। कोंडागांव जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 290 मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बसों और वाहनों में मतदान दलों से चर्चा करते हुए सफलतापूर्वक मतदान कार्य के संपादन के लिए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी है। गौरतलब है कि कोंडागांव जिले में कांकेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत केशकाल विधानसभा क्षेत्र के 290 मतदान केंद्रों में कल मतदान किया जाएगा। मतदान दलों को शासकीय शहीद गुंडाधुर महाविद्यालय से मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर अजय उराव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के कर्मियों ने डाक मतपत्र द्वारा मतदान किया। इसके तहत मतदान सामग्री वितरण केंद्र में भी डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की गई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के
एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिछ गई लोकसभा चुनाव के बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट, देखिए जनादेश सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग संभाग के कमिश्नर सत्यनारायण राठौर ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार बालोद जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर और पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में लोकसभा आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक लेकर निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। संभाग के आयुक्त श्री राठौर ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर जिले के सभी मतदान केंद्रों में शुद्ध पेयजल, छाया और मतदाताओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी साहब के साथ निर्वाचन की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक की गई और जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सारे अधिकारियों के साथ, विशेष रूप से चूंकि गर्मी का सीजन है और मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए उनके लिए उचित छाया और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और साथ ही बैठने की व्यवस्था करने के संबंध में उनको निर्देश भी दिए गए। साथ ही स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया गया और वहां तैयारी लगभग सब अच्छी हो गई है। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने सुरक्षा से जुड़े तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेनानियों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से निर्वाचन कार्य के लिए पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जिलों में कुल अधिकारी, कर्मचारी और के तैनाती के संबंध में भी जानकारियां दी है। साथ ही साथ जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनको भी क्षेत्रवार बांटकर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रत्येक पोलिंग पार्टी को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ समन्वय बनाकर किसी प्रकार की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया के रोकथाम के उद्देश्य से दुनिया भर में ये दिवस मनाया जाता है। मच्छरों के कारण फैलने वाली इस बीमारी से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये बीमारी दुनिया भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है, जिसका काफी असर भारत में देखा जाता है, जहाँ ठोस प्रयासों के बावजूद इसकी रोकथाम पर अभी भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इसका उद्देश्य है मलेरिया के विषय में जागरूकता बढ़ाना, जिससे देश को मलेरिया मुक्त किया जा सके। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है, उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं, साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। प्राइमरी मकसद मलेरिया को कंट्रोल करना और मलेरिया को इरेडिकेट करना है,
इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक को कम्युनिटी के अंदर हमारा खुद का पार्टिसिपेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया के आमतौर पे जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि 2 से 3 घंटे तक रहता है। बुखार आमतौर पर पसीने के साथ उतर जाता है। यूजली फीवर 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद आता है, कई बार तीसरे दिन, कई बार चौथे दिन भी फीवर आता है। तेज बुखार होता है, ये आमतौर पर मलेरिया की तरह मलेरिया का ही होता है, जो कि 2 से 3 घंटे रहता है और पसीने के साथ उतरता है। इसमें इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना मलेरिया के लिए टेस्ट करवा के मलेरिया के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन से कंप्लीट क्योर है वो करना चाहिए। कुछ वेरिएंट मलेरिया के होते हैं जो कि आपके ब्रेन को या किडनी को और कई बार दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिम्टम्स मिलते हैं और कई बार यहां तक के घातक भी हो सकता है मरीज। जांजगीर चांपा जिले के कुटरा बोर्ड में स्वीप मलखंभ का आयोजन किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज मलखंभ का प्रदर्शन किया और मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मलखंभ की बालिका खिलाड़ियों ने परंपरागत साड़ी पहनकर मलखंभ का प्रदर्शन किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया। वो मलखम के प्रदर्शन करें और सब अधिकारी के आगमन होइस और सब झनला आके अपन मतदाता जागरूकता करे के हक है जी। सब झनला मतदान करना चाहिए। मेरा नाम डिम्पी सिसिदार है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। आज स्वीप मलखम मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ जिसमें हमने मलखम का प्रदर्शन किया और हम लोग बहुत उत्साहित थे। मैं अपील करती हूँ कि सब अपना मतदान दें। जिला पंचायत के सीईओ गोकुल रावटे ने मलखंभ खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने खेल के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी जांजगीर चांपा के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिपेक्ष में स्वीप के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही है और इसके अंतर्गत आज कुटरा बोर्ड में एक मलखंभ स्वीप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कुटरा बोर्ड के जो मलखंभ के हमारे साथी हैं बच्चे हैं, उनने काफ़ी अद्भुत और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और इसको निश्चित रूप से ये काफ़ी अविस्मरणीय रहेगा। और जिस प्रकार से इनका प्रदर्शन रहा है और इसमें काफ़ी अधिक संख्या में जनमानस उपस्थित रहे, हमारे सभी कर्मचारी साथीगण भी रहे हैं, एनआरएलएम की दीदियाँ उपस्थित रही है, जिसके माध्यम से हम लोग यह मैसेज देना चाहते हैं कि आगामी 7 मई को जो लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान का तिथि नियत है उसमें सभी अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर भाग ले और मतदान के प्रतिशत को अधिक बढ़ाए। और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाई और मतदान के लिए शपथ भी दिलाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।